हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं हूं मनोज। आज दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूं पाइनएप्पल टिक्का की रेसिपी। आप कैसे पाइनएप्पल टिक्का बना पाएंगे मैं आपको अब बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो में दोस्तों बने रहिए। तो चलिए दोस्तों पाइनएप्पल टिक्का बनाना शुरू करते हैं। पाइनएप्पल टिक्का बनाने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे पाइनएप्पल ले लिया है, और इसके बाद सबसे पहले हमें इसे साइड से कट करना है। ये देखिए, इस तरीके से हमें साइड से पाइनएप्पल को काट लेना है। इसी तरीके से दोस्तों हमें दूसरी साइड से भी पाइनएप्पल काट लेना है। इसके बाद पाइनएप्पल को हमने छीलना है, तो पाइनएप्पल को हमें अच्छी तरीके से छीलना है। ये देखिए, इस तरीके से हमें पाइनएप्पल सारा छील लेना है। तो पाइनएप्पल छील लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, पाइनएप्पल छिल गए हैं। अभी हमें इसे दो हिस्सों में डिवाइड करना है। इसके बाद ये देखिए, आपने इतने बड़े बड़े पीसीस रखने हैं पाइनएप्पल के। ये देखिए, ऐसे आपने पीस काट लेने हैं। इसके बाद हमें इसे टिक्का के लिए पीस काटना है। तो पाइनएप्पल मैंने काट लिए हैं, और इसके बाद हमें टिक्का के लिए ये देखिए इतने बड़े बड़े पीस काटना है। अगर दोस्तों आप तवे में पाइनएप्पल टिक्का बनाना चाहते हो तो आप इसी तरीके से पाइनएप्पल टिक्का बनाए, और अगर आप तंदूर पे बना रहे हैं तो इतने ही बड़े पीस पाइनएप्पल के काटें। तो ये देखिए, पाइनएप्पल मैंने लगभग काट दिया है। इसको एक बाउल में डालेंगे और इसकी फर्स्ट मैरिनेशन करेंगे। फर्स्ट मैरिनेशन के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें इसमें ऐड करना है नमक। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। इसमें वाइट वाला नमक मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, आधा से आधा चम्मच। इसके साथ में चाट मसाला एक टीस्पून के लगभग मैंने चाट मसाला ऐड कर दिया है। जीरा पाउडर एक टीस्पून इसमें ऐड करेंगे। साथ में एक चम्मच यानी बड़ा वाला चम्मच देगी मिर्च पाउडर इसमें ऐड करेंगे। काला नमक एक टीस्पून मैंने ऐड कर दिया है। अब इसके बाद दोस्तों हमें इसमें ऐड करना एक चुटकी भर हल्दी पाउडर। एक चम्मच किचन किंग ऐड करेंगे और एक चुटकी भर हल्दी पाउडर। दो बड़े चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, और आधे घंटे तक इसे मैरिनेशन के लिए रख लेते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हमें इसकी सेकंड मैरिनेशन बनानी है। तो चलिए सेकंड मैरिनेशन बना लेते हैं। सेकंड मैरिनेशन के लिए दोस्तों मैंने एक डिब्बा ले लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे तीन बड़े चम्मच हैंकर्ड के, ये दही है, छानी हुई दही जिसको हम टंगा हुआ दही कहते हैं, और ये मैंने ऐड कर दिए तीन बड़े चम्मच। तीन बड़े चम्मच इसमें सरसों का तेल ऐड कर लेंगे। ये देखिए, सरसों का तेल दोस्तों ऐड हो चुका है। साथ में दोस्तों हमें इसमें ऐड करना है अदरक और लहसुन का पेस्ट एक बड़ा चम्मच। बारीक कटा हुआ हरा धनिया एक बड़ा चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे। बिल्कुल बारीक कटी हुई हरी मिर्च एक चम्मच, देगी मिर्च एक चम्मच किचन किंग इसमें ऐड करेंगे। साथ में दोस्तों चाट मसाला इसमें ऐड करेंगे एक बड़ा चम्मच। एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर इसमें ऐड कर लेंगे। जीरा पाउडर एक चम्मच। तो ये सब इंग्रेडिएंट मैंने ऐड कर दिए है। साथ में हमें ऐड करना है दो बड़े चम्मच क्रीम के। तो क्रीम भी दोस्तों देखिए मैंने ऐड कर ली है, और इसको अच्छी तरीके से हमें मिक्स करना है। दाने नहीं होना चाहिए दही में, क्योंकि ये छानी हुई दही है। मैं यहाँ पे दोस्तों दो पोर्शन बना रहा हूँ, तो आप जितना भी बना रहे उस हिसाब से मसाला डालें। तो ये देखिए सेकंड मैरिनेशन के लिए बिल्कुल मसाला तैयार हो गया है। इसके बाद हमें इसमें पाइनएप्पल ऐड करने लगे हैं, और इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स करना है। इसके बाद दोस्तों हमें डाइस कटिंग इसमें शिमला मिर्च डालनी है। ये देखिए, इस तरीके से आपने शिमला मिर्च काटनी है और इसमें ऐड कर लेनी है। साथ में इसी तरीके से टमाटर काटिए और इसको भी लास्ट में इसमें ऐड कीजिए। प्याज को भी इसी तरीके से ऐड करना है। तो ये देखिए कलर बहुत बेहतरीन है, और साथ में दोस्तों हमें ऐड करना है हरा धनिया। बहुत ही अच्छा पाइनएप्पल टिक्का बनने वाला आज। तो ये देखिए मैंने हरा धनिया ऐड कर लिया है, और इसको भी हमें मिक्स करके इसे आधे घंटे तक इसे फिर से मैरिनेशन के लिए रख लेना है। तो ये देखिए, इसको आधे घंटे तक हम रख लेते हैं। तो दोस्तों आधा घंटा हो चुका है, पाइनएप्पल आप देख सकते हैं कलर बहुत बेहतरीन आया है। इसके बाद हमें इसे सीक में लगाना है, तंदूरी सीक में।
तो ये पाइनएप्पल मैंने बाहर निकाल के एक बार मिक्स किया है और इसके बाद सीख में लगाएंगे। ये देखिए, आपने पतली वाली सीख लेनी है और इस पर सबसे पहले हम लगाएंगे एक सासलिक यानी प्याज, टमाटर और एक शिमला मिर्च। उसके बाद दोस्तों हमें पाइनएप्पल लगाना है, ये देखिए इस तरीके से। फिर से आपने एक शिमला मिर्च, एक प्याज, एक टमाटर लगाना है और फिर से पाइनएप्पल। तो ये देखिए सभी मैंने पाइनएप्पल सीख में लगा दिया है और इसके बाद हमें 5 से 7 मिनट तक इसे हाफ डन करना है। अगर आपके तंदूर में ज़्यादा सेक है यानी ज़्यादा टेम्परेचर है तो आप इसे 3 से 4 मिनट तक ही रोस्ट करें। पाइनएप्पल टिक्का को हम तंदूर में डालेंगे और ऊपर से लगाएंगे दोस्तों ढक्कन और साथ में लगाएंगे एक प्लाटर। तो ये देखिए प्लाटर की मैंने यहाँ पे तैयारी कर दी है, मिंट सॉस है, साथ में स्लाइस प्याज। 3 से 4 मिनट हो गए हैं और इसके बाद हमें पाइनएप्पल टिक्का को बाहर डालना है और 5 मिनट बाद फिर से हमें पाइनएप्पल टिक्का तंदूर में फिर रोस्ट करना है। तो ये दोस्तों मैंने फिर से तंदूर में डाल दिया है और इसे फिर से 2 मिनट तक हमें रोस्ट करना है। इसके ऊपर डालेंगे हम सबसे पहले बटर, तो इसको थोड़ा सा और रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए बटर डाल दिया है। इसके बाद पाइनएप्पल टिक्का बाहर निकालेंगे, आगे से सीख को हमेशा की तरह साफ़ करेंगे और पाइनएप्पल टिक्का को प्लेट में लगाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों पाइनएप्पल टिक्का कितना बेहतरीन बना है। और इसमें इसके बाद दोस्तों चाट मसाला डालेंगे, तो मैंने यहाँ पर चाट मसाला डाल दिया है। थोड़ा सा इसमें लेमन जूस डालेंगे, पाइनएप्पल टिक्का थोड़ा सा चटपटा हो जाए, मज़ा आएगा आज बिल्कुल खाने में। तो ये देखिए कलर आप देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन कलर है। साथ में दोस्तों हमें इसमें ऐड करना है हरा धनिया। ये देखिए हरा धनिया मैंने ऐड कर लिया है। पाइनएप्पल टिक्का दोस्तों तैयार हो गया है। आपने देखा मैंने किस तरीके से पाइनएप्पल टिक्का बनाया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों एक नई रेसिपी के साथ, तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल कुकिंग विद मनोज में।